कचरा कहां से आ गया? अरे बाप रे भगवान। क्या है? अरे बाप रे, अरे रे, ठीक है, समझ गया। अच्छा हाँ, एक मिनट में आया। डिटेक्टिव, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। उन बच्चों को जरा संभालो। हाँ माफ करना, वैसे आपको बता दूं कि प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल? हाँ। नहीं नहीं, मुझे देखने दो। अगर लोगों को पता चल गया तो स्कूल में ताला लग जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से इसे शुरू किया है और अभी तक पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। हा? अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो क्या होगा सोचो। हमारे स्कूल में तो ताला ही लग जाएगा ना। तो क्या करना है? अरे इसमें करना क्या है, इन रिपोर्टर्स का, आपको इन रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर देना है। हाँ देखिए ये काम तो मेरा नहीं है। हाँ मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए सुनिए, ये रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो आप? अरे इसे मेरा गुड लक समझ कर रख लीजिए ना। मुझे रिश्वत दे रहे हो? सुनिए सुनिए, छोड़िए मुझे। तुम मेरा अपमान करके जा रहे हो। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम भूल गए। एहसान फरामोश, मैंने तुम पर एहसान किया वो भूल गए नालायक। तुम पैसों को हाथ मत लगाना, वो पैसे मत उठाना, वो पैसे मेरे हैं, समझी? रख लो। कैसे हो दोस्त? बढ़िया, और आप कैसे हैं? हम एक ही शहर में रहते हैं पर हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। काफी दिनों से मैं अपने पड़ोसी तक को देख नहीं पाया। वैसे क्या ये एक मर्डर है? अब तक तो कुछ साफ हुआ नहीं है। क्या तुम जानते हो, ये लड़की इसी स्कूल में पढ़ती थी। मैं इस लड़की के काफी करीब था, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़की उस टाइप की नहीं है जो सुसाइड कर ले। उस टाइप की? क्या बकवास कर रहे हो। दुनिया में ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो अपना सुसाइड प्लान करता है। पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे ये सुसाइड हो या फिर मर्डर हो। इसलिए बकवास चीजें सोचना बंद करो। Ha 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 ha
जाओ यहाँ से। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। अब चलो उठ भी जाओ यार, पढ़ाई का समय खत्म हुआ। तुम ही कर लो, बस एक हैश यार। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बहुत बोरिंग हो। तुम्हें जाना होगा ना, बस निकल रही है। तुम नहीं आओगी? मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। आई हेट एग्जाम्स। मैं थोड़ी नींद पूरी करके जाऊंगी। सन की कहीं की, पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। उफ। अच्छा हे, तुमने सुना क्या? क्या? अपनी आर्ट टीचर जिसकी मौत हुई, पक्का मिस्टर जू ने ये सब किया है। हमारे होमरूम टीचर? वो ऐसा क्यों करेंगे? सुनो, वो आर्ट टीचर अपने क्लास टीचर की चिपको थी, पर टीचर ने कहा मुझसे दूर रहो। सच में कितनी पागलपंती वाली बात है। फिर भी आर्ट टीचर जुनून से उनका पीछा करने लगी। वो उनके घर के सामने दिन रात खड़ी रहती थी, मतलब सुबह शाम रात हर वक्त वो वहीं खड़ी रहती थी। सुबह शाम रात हर वक्त वो कहीं जाती भी नहीं थी, वहीं खड़ी रहती। फिर जू की लाइफ में एक दूसरी लड़की आई जो काफी हॉट और बहुत सेक्सी थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मेरी ही तरह। पर आर्ट टीचर ने ना उनका पीछा करना छोड़ा और ना ही मैसेज करना छोड़ा। फिर जू ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसे जहर दे दिया। कितना पागलपन है ना। सच में पागलपन है, मुझे पता है। हेलो, मैं तुम्हें पागल कह रही हूँ। मरने के बाद तो उसकी रिस्पेक्ट करो। पर ये सच्चाई है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। बस करो, क्या हुआ तुम्हें? वो आर्ट, इस कमरे में भूतों की अफवाह सच्चाई है, तुम्हें पता है ना? देखो, अपना ध्यान रखना। मैं क्या करूं इस लड़की का। अब क्या हुआ? मजाक बंद करो। तुम अब तक गई नहीं? पक्का तुम्हारी बस मिस हो गई होगी। मैंने कहा बंद करो। कौन है? जुमिन, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस करो। इसे जरा बंद करोगी? मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम इस वक्त स्केचिंग क्यों कर रही हो? एग्जाम आ रहे हैं ना। तुम किसी की पेंटिंग बना रही हो? ये मैं हूं।
ये तुम्हारा चेहरा है? मैं अपना चेहरा भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। ये चेहरा तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। हे, कुछ बह रहा है। अब तो मिल रहा होगा ना? हमारे स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर, जिसने उसे नाम दिया, धरती हमें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे, हमारे पापों को माफ करें और बुरे कर्मों से हमें बचाएं और बुरी आत्माओं से दूर रखें और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखें, यही हमारी दुआ है। हम आपसे बस यही चाहते हैं। आमीन। मुझे यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। मुझे आशा है कि वो कमरा ज्यादा छोटा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा कमरा है। तुम अपने घर से काफी दिन बाद यहाँ वापस आए हो, अब यहाँ भी अपना घर ले लो। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगा, डेमोनियाक के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। तुम जैसे एग्जोरसिस्ट जिनका रास्ता काफी लंबा होता है और उन्हें अकेले ही तय करना होता है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें। हैमी को किसी ने देखा क्या? क्लास के टाइम स्कूल बंक करने से पहले कम से कम मुझे एक लेटर तो दे ही सकती हो ना? नहीं तो मैं एग्जाम में तुम सभी को नंबर्स कम दूंगा, समझ गए? यस सर। हे, उसे देखो, वो एक प्रीस्ट है। ओह, कितना हैंडसम दिख रहा है। हाँ, देखने में तो देखो तो जरा उसे, उस पे वो कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कपड़े ऑनलाइन मिल जाएंगे, चलो काफी अच्छे लगे मुझे उसके कपड़े। मैं आ रही हूँ। मिंगू, काफी दिनों बाद, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ। जरा देखूं तो तुम्हारा लुक तो बदल गया यार, प्रीस्ट बनते ही हैंडसम लग रहे हो। हाँ, देखो तो तुम क्या बन गए हो, यकीन नहीं होता है, एक टीचर। टीचिंग का काम दुनिया का सबसे बुरा काम है, हर तरफ से हम ही पीछे जाते हैं, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। पर स्कूल अब भी वही का वही है। सही कहा। खैर, ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलो। इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। हाँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जगह कमाल की है। मेरे लिए तो ये जगह सच में बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, इसी खुशी में चीयर्स। अरे बाप रे, क्या मंत्रियों को इस तरह से पीने की परमिशन होती है? अरे आंटी जी, जरा ध्यान से तो देखिए कि ये प्रीस्ट है, मंत्री नहीं। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या, बताओ? नहीं, आप सही कह रही हैं। लेकिन आंटी जी, ये मत भूलिए
कि प्रीस्ट भी ड्रिंक कर सकते हैं। सच में? पर ये अच्छी बात है, अगर तुम नहीं पियोगे तो हम जैसों को कैसे समझ पाओगे। पर सच में कितने खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो। अरे अरे मेरा मीट जल रहा है। तुम हमेशा से क्लास के टॉपर रहे हो, मैंने सोचा था कि तुम कोई अच्छी नौकरी करोगे। प्रिस्ट बनना भी कोई आसान काम नहीं है। ओ सच में? वैसे अब मेरी बातें करना बंद करो, मैं पहले से ही बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि तुम टीचर कैसे बन गए। बस किस्मत में यही लिखा था। जो भी है बहुत ही कमाल है। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी हैं? 2 साल पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई। ओह मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, उस वक्त तुम रोम में थे। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मुझे खुशी होगी। वैसे तुम अब पहले से ठीक हो? अब तुम्हें किसी की सुझाव की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, अब फैसले खुद लेता हूं मैं। सब ठीक है तभी तो प्रीस्ट बना। अच्छी बात है, मैं जानता था। तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कहीं पुरानी बातें भूल तो नहीं गए? वैसे कुछ पुरानी बातें तो याद हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि पुरानी बातें भूल जाना तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी ना है। मैं तो कल क्या हुआ उसे भी भूल जाता हूँ। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। बस इसी वजह से तो प्रीस्ट बना हूं मैं। हाँ देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सब याद है ना? वैसे क्या तुम डेमोनियाक को पर्सनली जानते हो? हाँ, वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में से एक है। पेरेंट्स? मेरे एक स्टूडेंट की माँ है। मिस किम, वो बात ऐसी है कि लगता है हाइमी को कोई परेशानी है। क्या घर में ऐसा कुछ हुआ था, जैसे कोई बहस या आपने उस पर हाथ उठाया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। हाइमी कभी कभी ज्यादा भावुक हो जाती थी, पर वो बुरी लड़की नहीं है। पर तुम्हें और शहर के लोगों को जैसा पता है वही सच्चाई है, उसके डैड ने खुद अपनी जान दी थी। जरा रुकना। हाँ वो बस 8 साल पहले उन्होंने खुद ऐसा किया था। सुई, मेरा मतलब है सुसाइड किया था उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? मैंने स्टूडेंट्स के बीच कुछ अफवाहें सुनी हैं कि हाइमी अक्सर क्लास में एब्सेंट रहती है और अपनी माँ के बारे में बात करती रहती है। सच तो यह है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो औरों से अलग है या फिर वो एक सन की औरत है। मुझे तो बस हाइमी की चिंता हो रही है। मैं उसके साथ ऐसा होता देख नहीं सकता। और वैसे भी उसके डैड ने भी तो सुसाइड किया था, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी होगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तुम सही हो, डेमोनिया के अंदर भी यही सिम्टम्स थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सब? स्टूडेंट्स के बीच एक अफवाह उठी है, कैंपस में भूत देखने की अफवाह। पहले तो मुझे सब बकवास लगा था, पर आर्ट टीचर की मौत से पहले। ए सुनो, तुम यहां ऐसी क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जू। हाँ। डर लग रहा है, यहां कुछ है उस आर्ट रूम में। क्या? वो अचानक प्रकट हो गई। क्या कह रही हो, कौन अचानक आती है?
मन कर रहा है ये जॉब छोड़ दूं। उस स्कूल में कुछ तो है, कुछ तो बुरा हो रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए आंटी आ गए। आराम से बैठना, कोई मस्ती नहीं करेगा। आज मैं अपने चार दोस्तों को भी लेके आया हूँ। अपना स्पेशल चिकन नूडल्स लाओ। हाँ ठीक है लेकिन दो बोतल पानी भी देना। कोई भी आराम से बैठो। लोग आराम से बैठना, समझ गए ना? और कुछ खाना है तुम्हें? आराम से बैठने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का टेंशन नहीं लेने का। वही है चुलमिन, आज तो फुल पार्टी करेंगे। क्या आंटी काफी टाइम लगा दिया आज, कस्टमर बढ़ गए क्या आपके? अरे इन्हें क्या हो गया? लगता है भड़क गया। अरे तुम यहाँ? मैं स्टूल उठा के लाया। मेरा ग्लास नहीं भरोगे? क्या कपड़े पहने हैं यार, सच में कमाल लग रहे हो। हाँ मैं प्रीस्ट बन गया। तुम जैसे कमीनों के लिए ये बड़ी बात है। बताओ किस काम से आए हो यहाँ? ए आराम से यार, उसे खाने पीने दो, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा तो और मैं क्या करूं? मैं इसकी पूजा करूं या आरती गाऊं? हे अब चलो भी। हाँ ठीक है। हाँ हे हुंचन, सच कहूं तो तुमसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, पर तुम 8 साल बाद अपने शहर में वापस आए हो तो एंजॉय कर लो। आशा करता हूं दोबारा सामने मत आना। अरे यार तुम उस चुलमिन की बात पर ध्यान मत दो, वो मेरी गलती थी। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हम दोनों काफी छोटे थे। अब इसमें तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई बात नहीं है, वो मेरी गलती थी। हाँ ये भी ठीक है, तुम एक प्रीस्ट हो, मानना तो पड़ेगा। तो उस केस में तुम्हें कुछ नया पता चला है क्या? नहीं ये तो सब भूल जाएंगे, हजारों ऐसे केस हैं जो रोज आते जाते रहते हैं। यहाँ तो केस बंद हो जाते हैं लेकिन ऊपर चालू ही रहता है। हाँ ऊपर वाला तो सब देखता है। चलो ये भी अच्छा है पर ये बेहतर नहीं है, इसके लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ लगता है मुझे चढ़ गई है। लो हम आ गए, यही है। मैं जानता हूं डेमोनिया का अंदर ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अंदर जाऊं और काम खत्म कर दूं। हमें उसके फैमिली मेंबर्स की परमिशन चाहिए और वैसे भी हम थोड़े नशे में हैं तो हमें रुक जाना चाहिए और सुबह में सीधे हाइमी से बात करनी चाहिए। हाइमी? हाँ मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। वो फोन भी नहीं उठाती है और स्कूल भी नहीं आ रही है। हाइमी? क्या आप बहुत ज्यादा भूतिया फिल्म्स देखते हैं क्या? तभी तो आप इस प्रीस्ट को लेकर आए हैं जो भूतों को भगा सके। क्या कहा? भूत? मेरी मॉम पागल है, वो पूरी तरह से साइको है। तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? आप जाइए, पागल तो आप लोग भी हैं जो उनके कहने पर आ गए। हाय मी, मैंने खुद देखा है और तो औरों ने भी देखा है, तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। आपको मेरी माँ के बारे में पता क्या है? आप उन्हें जानते हैं? वो मेरी बात तक नहीं सुनती है। हमें अकेला छोड़ दो, जबरदस्ती हमारे गले मत पड़ो, निकल जाओ यहाँ से। क्या बकवास है ये? तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब दिखा था क्या? तुम्हें बताना होगा वरना खतरा चारों तरफ है। Oh,
तो उस पेंटिंग में भी चेहरे पर निशान थे? हाँ, मेरे ख्याल से बाएं तरफ वाली गाल पर एक लंबा निशान था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और कुछ, जैसे तुम्हें कुछ और भी अजीब दिखा हो? मुझे याद नहीं, वहाँ काफी अंधेरा था। उसकी आवाज कैसी थी? वैसे ही जैसे एक नॉर्मल लड़की की होती है। उसकी भाषा कैसी थी? क्या तुम्हें समझ में आ रही थी? नहीं। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? पक्का नहीं कह सकता, मुझे उससे संपर्क करना होगा। कॉन्टैक्ट में? पर वो कैसे? हैमी, कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताना, मुझे या अपने टीचर को। अब तो मेरा नंबर भी है तुम्हारे पास। वो तुम्हारे सामने पहले आ चुकी है, वो वापस जरूर आएगी। वो जो कोई भी है, उसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम उसके संपर्क में आती रही तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी, या शायद तुम्हारी जान ही ले ले। तुम्हें ये सब रोक नहीं होगा। ऐसा कभी और भी हुआ था? हाँ, बच्चे मुझे सनकी कहकर अक्सर पत्थर से मारते थे। माँ बाप अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहे। पर उस प्रीस्ट ने ऐसा प्रेयर किया कि मानो जैसे वो भूत 1000 किलोमीटर दूर भाग गया हो। मुझे आज भी याद है, वो प्रीस्ट बहुत प्यारी थी। क्या मुझे तुम्हारी जगह दोबारा उसे ही बुलाना चाहिए? तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम पर पहले भी कब्जा कर चुकी है। अरे चलो भी, इन 4 से 5 सालों में बस मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता नहीं, शायद वो किसी और कारण से हुआ हो, या फिर वो शायद माइग्रेन की शिकायत की वजह से हो। क्या कहते उसे, ADHD? हाँ, शायद मुझे यही बीमारी रही होगी। हो सकता है उस प्रीस्ट ने मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया हो। हाँ, थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं। जरूर, कल मिलते हैं। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, कल मिलते हैं। अरे तुम भी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घबराना मत। हाँ, ये सब कुछ उन बेवकूफों की वजह से हुआ है, तुमको पता है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें स्मार्ट लोगों के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, मैं चेयरमैन के साथ स्कूल गया था। हाँ, और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, इस बार ध्यान रखना, सारा कैश मेरे पास ही देना, समझ गए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं।
मेरी चाबियां कहां गई? तुम लोग यहां क्यों दौड़ रही हो बेवकूफ लड़कियां? तुम लोगों की वजह से मैं कितना डर गया पता है? कितने इंडिसिप्लिन बच्चे हैं ये सब, है मुझे डरा ही दिया। है? अब ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? ये जेनेटर भी ना तेरे की। ये क्या हो गया? हे जेनेटर किम, रुको, कहां जा रहे हो? ये भी बहरा हो गया क्या? पागल मेरी आवाज नहीं सुन रहा है? छोड़ो। हाँ